हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है भैया अहम है, इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्विजिट है फॉर व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी अहेड। अगर अहेड वाला अगर आपको पता करना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझना प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट मतलब इसे टिक करना अभी के अभी जरूरी है। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, जैसे आपने देखा होगा ड्यूरेशन भैया कुछ ही मिनटों की है, कुछ ही मिनटों में भैया इसको हल करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो का मुद्दा है भैया एक्यूमुलेटर इन 8086। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर छान मारा भैया वहां पे, एज अ एक्यूमुलेटर मुझे कुछ दिखा नहीं। जैसे कि 8085 में अगर आप देखोगे तो इफ यू सी इट केयरफुली, यहां पे भैया जो आपका ALU था, दिस वॉज योर ALU, सही बात है। तो वहां पे क्या हो रहा था, ये जो कनेक्शंस थे एक तरीके से आपके जो यहां पे लगे हुए थे, यहां पे दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, दे वर अवेलेबल विथ यू। वो कौन कौन से थे भैया, व्हाट वर दे? एक तो भैया आपका रिस्पेक्टिवली एक्यूमुलेटर था और एक तो आपका टेम्पररी रजिस्टर था। बात क्लियर है? तो यानी कि अपने को पता था 8085 में एक्यूमुलेटर क्या है, क्योंकि मोस्टली जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, ऐड लिखते थे, ऐड की क्या करते थे भैया, फिर ऐड बी कर देते थे। तो हमें ये पता होता था कि जब भी ऐड बी कर रहा हूं तो यहां पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहला ऑपरेंड है वो हमारा एक्यूमुलेटर ए ही होता था। तो ऐसा ही 8086 में जब कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन वाला इंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सिंपली सिर्फ यहां पर बीएल रख देते हैं, तो भैया दूसरा ऑपरेंड का है कहां से है दूसरा कंटेंट, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, जवाब दो। तो इस वक्त जो जवाब रहता है वो रहता है आपका एक्यूमुलेटर। ये वाला एक्यूमुलेटर वाला फंडा जो है यहां पे काउंट होता है। लेकिन एक्यूमुलेटर है तो है कहां भैया 8086 में, बताओ। पूरा आर्किटेक्चर देख लिया, दिखा नहीं भैया मेरे को एक्यूमुलेटर, बात बताओ किधर है वो। मैं बताता हूं आपको कहां है भैया। जब हम भैया एक तरीके से लिसन केयरफुली, जब हम 8-bit के साथ डील कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर डीलिंग लाइक दिस, ये 8-bit का रजिस्टर है, जब हम 8-bit के साथ डील कर रहे हैं तो हमारा जो AL है, जनरल पर्पस रजिस्टर 8-bit का AL है, वो हमारा एक्यूमुलेटर होता है। तो बात सिंपल है भैया, 8-bit के लिए आपका ये AL जो है 8-bit का वो एक्यूमुलेटर है, AH नहीं, सिर्फ AL ये मेक श्योर करो, कंफ्यूज मत हो, अल्टरनेटिव्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये नहीं है एक्यूमुलेटर, यही है सिर्फ एक्यूमुलेटर जब 8-bit की बात हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जब 16-bit की बात हो, जब हमें 16-bit से डील करना होगा, लेट्स से यहां पे x है, bx है, लेट्स है, तो bx तो 16-bit हो गया, तो जब इस तरीके से ऐसे डेटा से हमें डील करना होगा, ये मल्टीप्लीकेशन जब हमें परफॉर्म करना होगा 16-bit का 16-bit से परफॉर्म करना होगा, तो उस केस में एक्यूमुलेटर कौन होगा, तो उस केस में भैया आपका एक्यूमुलेटर ax होगा। क्या होगा भैया उस केस में, आपका एक्यूमुलेटर जो है वो स्ट्रिक्टली ax होगा। आपको बात समझ में आ रहा है? सो फॉर 16-bit ax इज द केस। कई बार हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है भैया 32-bit डेटा से भी डील करना पड़ सकता है। तो जब 32-bit डेटा हमारे पास हो, हमारे समक्ष हो, तो उस केस में भैया किस चीज को एक्यूमुलेटर की तरह कंसीडर किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी कंसीडर एज अ एक्यूमुलेटर। तो वो बड़ा सिंपल सा भैया मामला आपके सामने निकल के आता है, दैट इज नथिंग बट भैया डीएक्स एएक्स। आप बात समझ पा रहे, एएक्स 16-bit, डीएक्स 16-bit, ऑल टूगेदर 32-bit। तो भैया जब भी आपका 32-bit डेटा के साथ आमना सामना होता है तो किसको सामने कर देना है, DXAX को, बराबर है। ये दोनों आपकी शील्ड बन जाएंगे जो कि 32-bit का होगा, इसी के साथ आप जो है यहाँ पे वो 32-bit डेटा से जो है डील कर पाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट द एक्यूमुलेटर, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो भी इंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं उनमें इनका बहुत ज्यादा अहम रोल होने वाला है। सो यू शुड मेक श्योर कि भैया आपका ये जो चीज़ है दिमाग में ठीक तरीके से बैठ चुकी है कि एक्यूमुलेटर आपके पास 8086 में कितने सारे प्रकार के मौजूद हैं। ये सब आपके सामने मैंने रख दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।